सजा इस इमारत को मिली है, उन अधिकारियों को नहीं जिन्होंने इस इमारत को खड़ा किया। मैं इसलिए एक पॉइंट पर आ रहा हूं। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट 5 अगस्त 2021 को टिप्पणी की थी, पूरे देश इसको देखे और समझे कि आखिरकार इस टिप्पणी के मायने क्या है। आपके आंख नाक कान से भ्रष्टाचार टपकता है, आप सुपर टेक की मदद ही नहीं कर रहे, आपकी उनके साथ मिलीभगत है। यह बात सुप्रीम कोर्ट नोएडा अथॉरिटी के लिए टिप्पणी करता है। आप भी मानते हैं इस बात को कि नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार है? नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार है जी, बिल्कुल बिल्कुल है। और आपके सामने अधिकारी नपे भी, अभी भी 26 के नाम है, 40 लोगों के नाम आ रहे। आज मैं बड़ा उदाहरण देना चाह रहा हूँ, हो सकता है शायद मेरे विपक्षी साथी जो बैठे शायद वो मुझ पर हंसे भी और कमेंट्स भी करें, मुझे कोई परवाह हो। नोएडा के लोगों से हमारा वार्तालाप होती थी आम जनता से, तो लोग क्या कहते थे कि भैया नोएडा में तो नोट उड़ते हैं, पकड़ने वाला चाहिए। आप समझ रहे मेरी कमेंट्स क्या है? जब हमारी सत्ता भी सरकार भी नहीं आएगी, नोएडा में जो है नोट उड़ते हैं, इतना पैसा उड़ता है नोएडा में भी पकड़ने वाला चाहिए। हमें भी बड़ा लालच आया, हम भी देखे जी नोट उड़ते हुए कैसे उड़ते हैं, और साहब बहुत गुंडा भी हमें नोट उड़ते कहीं नजर आए नहीं। आपको उड़ते हुए हमने बड़ा नोट उड़ते देखे, हमें तो मिला नहीं। हाँ जी तो मजबूरी अपने घर आ गए। हाँ। एक बार दिल पे हाथ रखिए प्रदीप जी, 14 की इजाजत थी माले खड़े करने की, 32 खड़े कर डाले, इसमें किसी सफेद पोश का हाथ नहीं होगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए 14 की जो थी अनुमति, वो टाइमिंग देखिए कि तारीख क्या थी, सन क्या था, उस पर जाना बहुत जरूरी है। और वो टावर कब से बनना शुरू हुआ और कब तक बना, केंद्र में कौन था और प्रदेश में कौन कौन था, क्या जो प्रदेश के अंदर मुखिया बन के बैठे क्या उनको नजर नहीं आया? ईमानदारी से बताइए प्रदीप जी, ये सफेद पोशों के बिना 32 माले खड़े हो जाएंगे? सर मैं आपको बताता हूँ, बड़ा कड़वा उदाहरण, बहुत ज्यादा कड़वा उदाहरण देता हूँ। जब आदमी ये सोचने लगता है कि पैसे के आगे तो सब अधिकारी और नेता बिकते हैं और मैं भ्रष्टाचार करूंगा और पैसे में तोल दूंगा, जब आदमी की सोच ये बन जाती है कि अरे हर चीज में पैसा लगता है, पैसे के बोरे खोल दो जो मर्जी करो, तो वही काम सुपर टेक ने करा। ऑडी में बैठकर वहां पर जो है सब टिन टावर को दिखा रहे थे, कह रहे थे भ्रष्टाचार का टावर गिर गया, लेकिन मुझे एक नाम तो बताओ जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई, एक्शन हुई, विजिलेंस ने पूछताछ की, तो भ्रष्टाचार का टावर गिरा तो गिरा कैसे? ये तो इमारत गिरी है ना साहब। बिल्कुल सही। देखिए ये आपके चैनल ने सवाल उठाया, मगर जितने चैनलों ने टीआरपी के लिए 54-60 कैमरे, 50 कैमरे, 40 कैमरे लगाए, ये चीजें वाकई में सब चीजों को उठानी चाहिए थी, नाम खुले से करने चाहिए थे, नोएडा अथॉरिटी को अधिकारियों को उनके वस्त्र उतारने चाहिए थे, ये काम चैनलों ने नहीं करा। अच्छा, अथॉरिटी को एक बार भी किसी ने बोला? पिछड़े जिलों में बाढ़ आती है ना सर, यही जो चैनल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उस बाढ़ को कवर करने के लिए कोई नहीं जाता, उन बाढ़ को कवर करने के लिए जहां पर मजदूर मर रहा होता है कोई चैनल वाला वहां नहीं जाता। मैं तो उनमें से हूं जो देखता हूं वही बोलता हूं, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। ठीक सर, और जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं जी। मैं लोग टीआरपी के लिए ही गए थे आज, मैं आज मेरा आज आपका आमना सामना आज का नहीं है, मैं तो आपके साथ हो सकता है कि कई साल से आपका हमारा आमना सामना रहा, और आप तो बहुत कड़क और स्ट्रिक्ट पत्रकार है, मुझे पता है इस चीज के बारे में। ध्यान से सुनिएगा सर, टावर को गिराने का आदेश, जो महत्वपूर्ण सवाल है यहां पर, टावर को गिराने का आदेश कब दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 अगस्त 2021 को टावर को गिराना है, यह आदेश जारी हुआ। अधिकारियों और बिल्डरों पर कार्रवाई के आदेश भी उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया जांच के लिए, तब आपने 2004 से 2012 तक में तैनात रहे 24 अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार की, एफआईआर दर्ज की, मगर आज तक प्रदीप जी आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। ये संजोग है, ये प्रयोग है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जिस चीज को न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय देख रहा हो, उस चीज पे कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी कतई नहीं बरत सकता है, और मैं उसी चीज के लिए बता रहा हूं आपको। मैं मेरे सवाल को एक बार ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, आज तक अगर ये भ्रष्टाचार के टावर खड़े करने वाले आपकी गिरफ्त से दूर हैं, और दूसरा 6 साल में सुपर टेक के प्रोजेक्ट्स पास हुए या नहीं? बाबूजी मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल में बैठा हूं,
और बिना तथ्यों के नहीं बोलूंगा मैं। 20 करोड़ पे तोड़ने में लगे, 13 करोड़ मलबे हटाने में लगेंगे और 100 करोड़ पे का इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि करोड़ों रुपया स्वाह हो गया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सारी चीजें सुपरटेक भरेगा? सुपरटेक भरेगा बिल्कुल सर, चीजें सुपरटेक भरेगा। हमने टॉवर को तोड़ने में जो तत्परता दिखाई, इन 24 अधिकारियों पर कार्रवाई करने में यह तत्परता हमने क्यों नहीं दिखाई, मेरा सवाल ये है। चावला जी, तथ्य इतने मजबूत होने चाहिए कि वो शिकंजे में कसने के बाद निकले नहीं, उन्हें जमानत का भी अवसर ना मिले। इसीलिए ही एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, विजिलेंस बहुत जल्दी रिपोर्ट देने वाला है। अरे बाप को चीज, और अभी एक सवाल आपने पहले ही पूछा था, कमेंट में भी आया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। ये क्या सुपरटेक ने भी आपको चंदा दिया क्या पार्टी को? मैं जरूर पूछ के बताऊंगा जी आपको, मुझे तो अभी संज्ञान में नहीं है। नहीं नहीं सर, संज्ञान में तो देश को भी नहीं है कि आपको कौन कौन चंदा देता है, किस पार्टी को कितना चंदा कौन कौन देता है, ये किसी के पास हिसाब नहीं है। ये तो संज्ञान में किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है, नहीं है ना? ये आपने बिल्कुल राइट बोला आपने, चाहे किस पार्टी के हो। अच्छा, मुझे सुपरटेक की बात करते